स्पेशल रिपोर्ट में आइए आपको सीधे दिखाते हैं आदित्य ठाकरे से हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव बातचीत, कोरोना से लेकर मजदूरों के मुद्दे पर। क्या है सवाल, क्या जवाब दिया आदित्य ठाकरे ने, सुनिए। मुंबई में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद इस तरीके की फैसिलिटीज तैयार करना अब जरूरी हो गया है। खास करके मुंबई की पब्लिक स्पेसेस पे इस तरीके के मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स बनाने का काम शुरू हो गया है। 325 बेड का ये हॉस्पिटल, आपको यकीन नहीं होगा, महाराष्ट्र मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स के पार्किंग लॉट में ये बन रहा है और इस तरीके की कई फैसिलिटीज और बन रही है। किस तरीके से मुंबई इस पूरी कोविड की लड़ाई के साथ जीतने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है जो खुद इस फैसिलिटीज पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं आदित्य ठाकरे से। आदित्य जी, जिस तरीके की ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है वो देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कितनी बेड्स हम तैयार कर पाएंगे और कब तक ये तैयार होगा? मैं हूँ, फिर जो मेरे कलीग है असलम शेख जी है, वो है, हम सारे लोग, राजेश टोपे जी घूम रहे हैं, हम सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हो। आपने देखा होगा सीएम साहब की जो सूचना थी उसके ऊपर डोम 600 बेड्स का है, फिर बीकेसी 1000 बेड्स का है। वैसे ही हम काफ़ी सारे ऐसे रेस कोर्स है, विलिंगडन क्लब है, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने हमें खुद की जगह दी है, तो लगभग पहले फेज में 9000 बेड्स हम उपलब्ध कर पाएंगे, ये हमारी आशा है, ये हमारी कोशिश है। तो मतलब अगले महीने तक मुंबई में 9000 बेड्स और उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें अस्पताल के बेड्स भी होंगे, क्वारंटाइन फैसिलिटी के भी होंगे और आईसीयू भी उसमें शामिल। बिल्कुल, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है, हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफ़ी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं, आईसीयू बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेयर साहिबा भी है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है और हम सब इसी काम में जुड़े हुए हैं। मुंबई के आंकड़े बढ़ ही रहे, उस पर अभी छुपाने की बात नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं। कई लोग मुंबई को न्यूयॉर्क से कंपेयर भी कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि द वे न्यूयॉर्क इज़ फॉर यूएस, द मुंबई इज़ बिकमिंग फॉर इंडिया। हाउ विल यू टैकल दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज द नंबर्स आर राइजिंग, द बेड्स आर इन लेस अवेबिलिटी, people are finding it difficult to get themselves admitted, how this will be tackled? सबसे पहले तो numbers से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी epidemic होता है या community spread होता है तब जितने numbers आप ढूंढ सको, isolate कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें success होती है। numbers कम है ज़्यादा है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, तो वो हमारे सारे ward officers कर रहे हैं, सारे health officers कर रहे हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, सारी सर्वेलेंस हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, टेम्परेचर चेकिंग हो, ये सारी टीमें हमारी लगी हुई है, तो हम एक्टिवली अभी केसेस को चेस करें, ऐसे नहीं है कि हम केसेस के लिए वेट कर रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यही रही कि अब जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश है, एम्बुलेंसेज रेट्रोफिट की है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लगातार कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर टारगेट में आ जाते हैं कि बाहर पैसेज में लोग पड़े हुए हैं, कई जगह पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनके बगल में उनको रखा गया है, मॉर्चुरीज पूरी तरीके से फिल है। डर इस बात का है कि क्या हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है, क्या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे गार्डियन मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है, जो भी सोशल मीडिया पर आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमिजिएटली एक्ट करते हैं, हर जगह BMC के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त हैं और ये इतने ही देखने कि किसी भी नागरिक को तकलीफ ना हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्यों ना हो या फिर मुंबई कर या थाने कर या सोलापुर कर क्यों ना हो, हमारी टीमें सारी जगह लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल पैंडेमिक है, थोड़ी तकलीफ तो होने वाली है क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में है, देश लॉकडाउन में है, महाराष्ट्र लॉकडाउन में है, तो गुड सप्लाईज ये थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मेडिकल रिस्पॉन्स हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। क्या जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, BMC की हॉस्पिटल्स है, उन पर जो लोड है उसको कम करने के लिए फैसिलिटीज बनाई जा रही है खास? बिल्कुल, वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9000 बेड्स कर रहे, वो भी काम शुरू। कई केसेस ऐसे भी आ रही कि जो कह रहे हैं कि हमने फोन किया कंट्रोल रूम को, हमको बेड नहीं मिला, 5-5, 6-6 घंटे लोग रुकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कंट्रोल रूम में बैठने वाले लोग 50 से 100 है, लेकिन 3-4 हज़ार फोन आते हैं एक दिन में, तो हर एक को अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो या फिर फोन हो या फिर हमारे सर्वेलेंस से जो आते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। What changes you think should be made now? दो महीने के बाद अगर ये स्थिति है, इसके अलावा क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या जो सिस्टम है उसको एक बार फिर उसको ठीक करने की जरूरत? जो पूरी एक वायरस की समस्या है ये हमारे हैबिट्स पे भी काफी निर्भर करती है, जैसे हमने अभी मास्क पहने हुए, लेकिन मास्क खोलते वक्त कैसे खोल रहे,
मुंह को हाथ ना लगाए, हाथ साफ रखे, सैनिटाइज करते रहे। ये पर्सनल हाइजीन, पर्सनल डिसिप्लिन कितना होता है, मुझे लगता है इस पर काफ़ी सारा निर्भर करेगा। जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड जो है, पोस्ट कोरोना दुनिया जो है वो कैसे रहेगी, ये हम पे निर्भर करता है। हम इसमें से जल्द कैसे बाहर निकले इस पूरे समस्या से, वो भी हम पे निर्भर करता है। क्योंकि एक है मेडिकल रिस्पॉन्स, एक है बेड्स, लेकिन उन बेड्स तक हम कैसे ना जाए और फिट कैसे रहे, तंदुरुस्त कैसे रहे, मुझे लगता है वो अपने पे भी निर्भर करता है काफ़ी सारे वक्त। जैसे अभी हमने एक डिस्टेंस रखा हुआ है, वैसे ही मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में ये पॉसिबल नहीं है, मुंबई इतना डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। क्या ये सबसे बड़ा रोड़ा है जो मुंबई में आज हम नंबर देखते हैं? इन बातों पे गौर करना मुझे लगता है अभी इस ये वक्त नहीं है। अभी यही है कि खुद को कैसे बचाए। जैसे वो प्लेन में अनाउंसमेंट होती है ना कि दूसरों को बचाने से पहले खुद का मास्क पहन लो, वैसे पहले खुद को बचाएंगे तो पूरी सोसाइटी को बचा सकेंगे। मुंबई से हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स निकल के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा हाईवे से लोग चल के जाते हैं और अभी भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, मतलब क्या किस सरकार के ऊपर हम कह सकते हैं कि क्या मजदूरों में वो आस्थापना नहीं रही कि जिसके वजह से मजदूर? लगता है कि अभी किसी पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है। अभी पॉलिटिकल एक्विजिशन, ये तो सारी चीज़ें होते रहेंगी बाद में। अभी उनको मदद कैसे कर सके, उनको यहाँ जो लोग हैं ट्रेनों में कैसे उनको वहाँ भेज सके, या फिर जिनको अपने अपने गाँव जाना है कैसे क्या करना है, मुझे लगता है अभी उसी पर फोकस करें। पॉलिटिकल बातें तो बाद में भी होती रहेगी। मुंबई पर बहुत ज़्यादा फोकस है, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, मुंबई पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मुंबई, महाराष्ट्र आज की स्थिति में 30% तक केसेस पूरे देश के आंकड़े में दिखाई दे रहा है। आखिर में क्या आप कारण कहेंगे, कब तक हम पीक पहुँचेंगे ऐसा आपको लग रहा है, और कब से हमारे यहाँ पर सुधार? पीक हमारा हो, दुनिया का हो, उसका एक ही जवाब है, हु नोस, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नोस। अभी तक ये ऐसी एक विषाणु है जो कोई भी समझ नहीं पाया। एक ही हम समझ पा रहे हैं कि खुद को उससे दूर कैसे रखें, तो हाथ साफ रखें, हाथ अपना नाक पे ना इस्तेमाल करें, आंखों पे ना लगाए, मुंह पे ना लगाए, मास्क पहने और एक अंतर रखें। तो शायद मीडिया और हम में नहीं, लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा अंतर हो तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ये 30% जो अभी हिस्सा महाराष्ट्र का है, जिसके वजह से महाराष्ट्र पे बहुत ज़्यादा नज़र हो रही है, विपक्ष भी कहने लगा है कि बहुत ज़्यादा केसेस निकल रही है, कैसे आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो पाएगा, क्या इससे? जैसे मैंने कहा कि हमें केसेस खुद तो एक डरने की बात नहीं है, अगर खुद को कोई सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर से बात करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हम ये भी भूलते हैं कि काफ़ी सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, तो वो एक दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हम कोई भी नंबर छुपा नहीं रहे, जैसे है वैसे है, और आंकड़ों को हेड ऑन ले रहे हैं। अभी हम लोगों के घर जा रहे हैं कि भाई आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, आपका टेम्परेचर है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमने स्टैंड लिया है, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नवारो साहब भी है, उन्होंने भी प्रशंसा की है मुंबई की। तो मुझे लगता है इन्हीं सारी चीज़ों से हमें आगे जाना होगा, और सारे अन्य राज्य जो है वो भी ऐसे करे तो देश को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू, धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों पर आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि वहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसीलिए आंकड़े इतने ज्यादा आ रहे हैं, चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब बात करते हैं राम मंदिर की, वही राम मंदिर जिसके निर्माण की शुरुआत हो गई है, लेकिन वहां पर काम की शुरुआत के साथ ही कई अवशेष मिले हैं, प्राचीन मंदिरों के स्तंभ, खंभे, शिवलिंग, और इन सब के मिलने के बाद एक बात स्थापित हो चुका है, और वो ये कि पहले भी मंदिर था, आगे भी मंदिर रहेगा। जिन्हें अयोध्या में राम मंदिर पर कोई शक रहा हो, वो जरा आंख खोल कर देख लें। वो जो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश थे, जरा वो भी देख लें। अब तक जो कह रहे थे राम मंदिर के पक्ष का, जो कह रही थी करोड़ों राम भक्तों की आस्था, धरती के नीचे से निकले ध्वंसावशेषों के पत्थर भी अब चीख चीख कर वही कह रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य और दिव्य निर्माण के लिए समतलीकरण का काम चल रहा है। 4 जेसीबी, 1 क्रेन और ट्रैक्टरों के साथ दर्जन भर मजदूर समतलीकरण में लगे हैं। इस दौरान गर्भगृह के भीतर से जो अवशेष मिले हैं, उन्हें जरा आप भी देख लीजिए।
टूटी फूटी हालत में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। 4 फीट 11 इंच का एक शिवलिंग भी मिला है। मंदिरों में लगे 6 प्राचीन स्तंभ भी मिले हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ मिले हैं। पुष्प कलश और मेहराब के पत्थर भी इस दौरान मिले हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का दौर जारी है। समतलीकरण इस वक्त चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में जो वहां से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, मंदिरों के भग्नावशेष मिले हैं, उसमें कई ऐसे हिंदू धार्मिक प्रतीक मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि वो पूरा का पूरा इलाका किस तरीके से कभी हिंदू मंदिरों का रहा होगा। मंदिर के गर्भगृह के नीचे से मंदिर से जुड़े अवशेष मिले तो अयोध्या के साधु संतों की आस्था को बल मिला। सभी एक सुर से बोलने लगे कि जो सत्य था वो बाहर आ गया। खंडित मूर्तियां निकली हैं, उसमें 7 थे, ये थे कसौटी के खम्भे निकले हैं, उसके बाद में टूटी हुई मूर्तियां निकली हैं, भगवान शंकर के 2 मूर्ति निकली हैं, और उसके बाद जो गोपुर होता है, जो आकृति बनती है मंदिरों के आकार, वो निकले हैं। साधु संतों में अपार खुशी है, क्योंकि हम लोग जब शुरू से कह रहे थे कि 2000 वर्ष पूर्व हमारे मंदिरों को वहां पे ध्वस्त करके और विदेशी आक्रमणकारी द्वारा पुनः पुनः उस पे किसी न किसी प्रकार का अपना प्रतीक बनाया गया, तो लोग कहते थे नहीं ये गलत है गलत है। लेकिन सनातन धर्म संस्कृति में, वेद पुराण उपनिषद में, शास्त्र में वर्णित है अयोध्या, अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली, तो इसके नाते आज आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण है, खुदाई में दिख भी रहा है। जो भी चिन्ह मिला है, भगवान श्री राम के चिन्ह मिले हैं, मंदिर के चिन्ह मिले हैं, पुरातत्व विभाग ने भी इसको देखा है, हम सब लोगों ने देखा है, साधु संतों ने देखा है, और जो देखा है वही खुदाई में मिला। पिछले 11 मई से राम जन्मभूमि परिसर के पुराने गर्भगृह के समतलीकरण का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में चल रहा है। गर्भगृह के भीतर से निकले इन अवशेषों से ट्रस्ट के सदस्य भी गदगद हैं। कहते हैं कि मंदिर नहीं बनाना है, मंदिर तो वहां है ही, बस उसका पुनर्निर्माण करवाना है। केवल उसका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन हो रहा, नया कुछ नहीं है, वो था। राम जन्मभूमि परिसर से मंदिर के अवशेष मिलने पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी कह रहे हैं कि सारे विवाद खत्म, अब तो बस रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। जो भी निकले उसका सम्मान होना चाहिए, और हमें चाहते हैं कि अब जो भी सम्मान निकल रहे हैं उसका सम्मान होना चाहिए, मंदिर का काम शुरू हो। क्योंकि बहुत से नेता, साधु संत, गृहस्थ की सबकी एक जो है निगाहें लगी हुई थी कि मंदिर का काम शुरू हो, तो अब मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बने। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अयोध्या में विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर बनवाने का रास्ता साफ किया था। अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है, अभी जमीन समतल हो रही है। जमीन से निकले अवशेष इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां भगवान राम का मंदिर था, वहां अब मंदिर ही रहेगा। वनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। अनेकों तर्क, अनेकों दलीलें, अनेकों प्रमाण, अनेकों सबूतों का दावा, आइए आपको दिखाते हैं। एएसआई की रिपोर्ट थी जिसमें एएसआई ने कहा था कि वहां पर स्तंभ है, खंबे हैं, चबूतरा है, इन सब के बीच कैसे ये विवाद इतने दिनों तक अयोध्या में चलता रहा। जय रघुनंदन, जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में सिर्फ 10 दिनों की खुदाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। धरती के गर्भ से सबूत बनकर निकली मूर्तियां, स्तंभों, मंदिरों के दरवाजों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी दे दिए। इससे पहले एएसआई ने यहां खुदाई करवाई थी जिसकी 574 पेज की रिपोर्ट उसने अगस्त 2003 में हाईकोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में भी विवादित ढांचे के नीचे से मिले कई अवशेषों का जिक्र था। एएसआई ने राम चबूतरे के नीचे एक पत्थर के चबूतरे का जिक्र किया था,
खुदाई में मंदिर के स्तंभ भी मिले थे। 11वीं 12वीं शताब्दी की इमारत का ढांचा मिला था। रिपोर्ट में 50 विशाल खंभों का भी जिक्र था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एएसआई की रिपोर्ट पर मुहर लगाई। अब तो मंदिर के रास्ते में कोई बाधा भी नहीं है। इन सब कलाकृतियों को संभाल के रखा गया है, इनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग वगैरह करके इसको सुरक्षित करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, वो भी सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट इन प्रमाणों से अब कन्विंस हुए होंगे। 28 बरस से त्रिपाल के नीचे रह रहे राम लला को फिलहाल नया ठिकाना मिला है। दिव्य और भव्य मंदिर बनाकर उनके लिए स्थायी निवास के इंतजाम का काम शुरू हो चुका है। 24 मार्च को देश में लॉकडाउन हुआ था और 25 मार्च की सुबह 5 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में रामलला को तिरपाल से निकालकर फाइबर से बने इस अस्थायी मंदिर के चांदी के सिंहासन में विराजमान किया गया। लॉकडाउन शुरू होने के पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह पर विराजमान रामलला को नए मेकशिफ्ट मंदिर में शिफ्ट किया था और तब से राम जन्मभूमि पे काम शुरू करने की बात शुरू हो गई थी। लेकिन दो लॉकडाउन तक सब कुछ यूं ही ठप रहा, लेकिन तीसरे लॉकडाउन यानी कि 20 अप्रैल से यहां काम की इजाजत मिली और भीतर जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है वहां पर बकायदा खुदाई शुरू हुई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। 3 साल बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। अयोध्या के साधु संत तब से कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, अब नहीं तो भला कब बनेगा राम मंदिर। एक और मोदी और एक और योगी, एक और मोदी और एक और योगी, बस अब बिल्कुल जल्दी से जल्दी मंदिर के निर्माण की तैयारियां हो चुकी है, अब विलंब नहीं है। संतों की मनोकामना पूरी भी हो गई। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। पिछले 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के निर्माण का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अयोध्या के श्री राम ही हैं जिन्होंने 2 सीटों वाली बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। राम के नाम पर राजनीति बहुत हुई, बहुत बाधाएं आई, लेकिन अब राम मंदिर बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राम भक्त तो मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान भी दे चुके हैं। बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो इसी रिपोर्ट के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अम्फान तूफान से तबाही का मंजर। देखते रहिए स्पेशल। अम्फान तूफान ने कैसे बर्बादी और कहर ढाया न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि उड़ीसा में, इसी रिपोर्ट के साथ कर रहे शुरुआत। आइए आपको दिखाते हैं कोलकाता में कैसे हावड़ा ब्रिज के सामने हवाएं इतनी तेज कि ब्रिज को पहचानना मुश्किल था। कहीं पर घर की छतें उड़ गई हैं, कहीं पर पहाड़ जैसी परिस्थितियां सड़कों पर बनी हुई हैं, कहीं पेड़ उखड़ गए हैं, कई लोगों की जान भी गई है। ये स्पेशल रिपोर्ट कोलकाता के हालात पर। जब तूफान आता है तो कैसे तबाही मचाता है आज आपको पता चल जाएगा। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सनसनाती हुई तूफानी हवाएं पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक चली तो सब कुछ तहस नहस हो गया।
आज हम आपको बंगाल से लेकर ओडिशा तक अम्फान तूफान ने किस कदर कोहराम मचाया है उसकी एक एक तस्वीर दिखाएंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे बंगाल की राजधानी कोलकाता को तूफान ने उजाड़ कर रख दिया। एक तो कोरोना, ऊपर से तूफान, कोलकाता पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि पता नहीं फिर से सवरने में कितना। चलिए आपको दिखाते हैं कि बंगाल में तूफानी रात गुजरी तो सुबह का मंजर कैसे सबको डरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से अम्फान नाम की तबाही उठी तो सब कुछ तिनके की तरह उड़ता चला गया और चप्पे चप्पे पर तबाही का दहलाने वाला मंजर है। ये देखिए कैसे एक तूफान से एक पेड़ बस पर गिरा तो बस के ही दो टुकड़े हो गए। आप देख सकते हैं बस के बीचों बीच पेड़ गिरा हुआ है, भारी भरकम लोहे की बस के जैसे दो फाड़ हो गए हैं। दहशत होती है इन तस्वीरों को देखकर और अंदाजा हो जाता है तूफान के तांडव का। अम्फान की रफ्तार ऐसी थी कि पुराने से पुराने पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। अब इस दीवार को देखिए, इस पर पेड़ धराशायी हुआ तो दीवार ढह गई और पेड़ से ही लोहे की एक ग्रिल भी उखड़ गई। स्ट्रीट लाइटें भी तूफान की रफ्तार को झेल नहीं पाई और सड़कों पर खंभे समेत आ गिरे। अब इस बिल्डिंग को देखिए कैसे तूफानी हवाओं ने इन बिल्डिंग की खाल सी उतार दी। मकानों की छतों से टिन शेड उड़कर कहां चले गए पता ही नहीं। तूफान ने भगवान के द्वार को भी नहीं बख्शा। ये देखिए कैसे शिवजी का मंदिर ढह गया, शिवजी की मूर्ति लगी दीवार गिरी पड़ी है। तूफान ने कोलकाता की सड़कों पर लगे एक पेड़ को नहीं छोड़ा, सारे पेड़ सड़कों पर टूटे नहीं बल्कि उखड़ उखड़ कर गिर गए। साइन बोर्ड तो तिनकों की तरह उड़ गए। ये देखिए ट्रैफिक सिग्नलों का हाल तूफानी तबाही की गवाही दे रहे हैं। बगलों की लाइटें उखड़ गई, कारों पर पेड़ गिरे तो कारों का कचूमर बन गया। हम लोग इस वक्त कोलकाता के वीआईपी रोड पे हैं। ये रास्ता सीधा कोलकाता एयरपोर्ट कनेक्ट करती है शहर को और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का नजारा है। कल जिस तरह का तबाही पूरे शहर को देखने को मिला था उसका जो सिंबल है, उसका जो साइन है, वो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे कि सूरज उग गया है, आप देख सकते हैं तबाही का जो कहर था, जो साइक्लोन का कहर था, वो अभी सामने आ रहा है। ये जो गार्डरेल्स है जिससे रास्ते को दो लेन में बांटा जाता है वो बिल्कुल उड़ गया है और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की पोस्ट है उसको आप देख सकते हैं किस तरह से गिरा दिया गया है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में चप्पे चप्पे पर तबाही के निशान है। रोड साइड पर सब कुछ टूटा फूटा और उखड़ा हुआ पड़ा है। एयरपोर्ट भी पानी में डूब गया। एयरपोर्ट का टिन शेड देखिए कैसे उड़ गया है। जिस वक्त तूफान आया लोग बता रहे हैं कि 40-40 टन वजनी प्लेट भी थरथराने लगे थे। वो तो प्लेन के पहियों में अवरोधक लगा दिए गए थे जिससे प्लेन इधर उधर ना हिल सके। शहर की तमाम सड़कों पर भी पानी भर गया, बसें पानी में डूब गई, सोलर पैनल उड़ उड़कर सड़कों पर आ गए, बिजली के खंभे भी जड़ से उखड़ गए। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ममता बनर्जी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से कोलकाता में जो नॉर्मल लाइफ है उसको फिर से चालू करें। आप देख सकते हैं पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ऑफिसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है वो गिर चुका है यहाँ पे और हाथों से इसको हटाया जा रहा है इस वक्त। और देखिए अम्फान तूफान ने बंगाल के हावड़ा की कैसे दुर्गति बनाई। आप देख सकते हैं कि मकानों की छतें उड़ गई हैं और अब पंखा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इस मकान को देखिए, लाइट लगा हुआ इसका पिलर ही ढह गया। ये तस्वीर भी हावड़ा की है, एक स्कूल की छत को तूफान उड़ा कर ले जा रहा है। जब तूफानी हवाएं चल रही थी उनकी आवाज से लोगों को दिलों में दहशत भर रही थी। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। दरों दीवार घर सब कुछ तहस नहस, एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ इस तूफान की वजह से बर्बादी। आइए आपको दिखाते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो ओडिशा हो, यही आलम था अम्फान तूफान के बाद।
ममता बनर्जी के बंगाल में तूफान ने कैसे तबाही मचाई, तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। कोलकाता से लेकर दीघा तक, हावड़ा से उत्तर 24 परगना तक, सुंदरबन से ईस्ट मिदनापुर तक, जिधर देखो तबाही मची हुई है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। तबाही बंगाल में 72 लोगों की जिंदगी लील गया। आज आपको पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके दीघा लिए चलते हैं, क्योंकि अम्फान तूफान ने यहीं से दस्तक दी। दीघा में पहले समुद्र की लहरों ने रौद्र रूप दिखाया, उसके बाद तूफानी हवाओं ने तांडव मचा दिया। फिर जो हुआ ये देखिए, होर्डिंग उखड़ उखड़ कर उड़ गए, कारों का कचूमर बन गया, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। चक्रवाती तूफान अम्फन ने तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में या तो पानी भर गया है, या घर टूट गए हैं, या दुकानें पूरी तरह से निस्त नाबूद हो गई हैं। मैं इस समय हूं दीघा के इलाके में, जहां बर्बादी का मंजर है। ये एक मकान है जो पूरी तरह से टूट गया है। तबाही इस कदर हुई है कि जहां एक और टीन की शेड उड़ गई है, तो वहीं पत्थरों की बनी हुई दीवार टूट गई है, और साथ ही साथ घर में घुसने का रास्ता तक खत्म हो गया है। रास्ता इस कदर खत्म हुआ है कि पेड़ के टूटने की वजह से और आसपास हुए नुकसान की वजह से अब परिवार खुद ही पेड़ काट के घर का रास्ता बना रहा है। स्थिति बद से बदतर हो चली है, क्योंकि एक ओर जहां पर कोरोना का कहर है, तो वहीं दूसरी ओर ये ध्यान में रखना कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, तो वहीं साथ ही साथ लोगों के लिए मुश्किलें हैं कि इन चीज़ों को कैसे सामान्य करें। आपका घर है यहाँ पर, क्या क्या हुआ था, किस तरह से तबाही हुई और अभी क्या स्थिति है? कल तो बहुत जोर से झड़ रहा था और इतना गाछ हिल रहा था, वो डर से हम लोग घर में घुस गया था, फिर बाद में पेड़ टूट गया। समुद्र तट पर रहने वालों की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। ये हैं अपर्णा और सिद्धार्थ मांझी। सिर से तूफान छत उड़ा ले गया, अब समंदर की तरफ देख रहे हैं और अपनी लाचारी पर रो रहे हैं। लॉकडाउन ही बंद हो गए थे, गो हमरा की करबो, खाओ दाओ तो कुछ ही गो पित पाछी ना, ओ टाका पैसा की गो झोड़े भेंगे गए थे, सब छत नीचे माने भेंगे गए थे। यही होटल बनी छिलाम, की करे चलाबो। 2 महीने से कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, खाने पीने को पहले ही कुछ नहीं था, अब तूफान ने जिंदगी उजाड़ दी। मांझी परिवार के पास आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं है। एतार पर आबार आमर उपरे छात चले गेछे, भीतर दुकान टोकान सब भेंगे गेछे, आमरा खाबो की, रात्रे घूम होय ना, घुमाते पारी ना, आर खाबार बाड़ीते थाकले तो खाबो কত কে মাগলে দিবে তোমাকে এত দিই, আর কিছু যদি হেল্প টেল্প যদি কেউ যদি কিছু করে তাহলে হয়তো দেখা যেত, কিছুতে কোথায় কোথাও আসছে না কিছু। এই ধরো 2 কিলো চাল দিয়েছিল আজকে তোমার ধরে, সেটাই খেয়ে কোনো কোনো চালিয়েছি। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं प्रधानमंत्री मोदी यहां आए और हालात का जायजा लें। खुद ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो मौसम में सुधार के बाद हवाई सर्वे करेंगी। ডিএমরা সবাই ফিল্ডে আছেন, পুলিশ পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিডিও এসডিও সাধারণ মানুষ সকলে, প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সবাই যা খবর পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা এক্ষুনি বলা যাবে না। ইতিমধ্যে 10-12 জন মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যারা হয়তো বাড়িতে টিন উড়ে এসছে বা বেশিরভাগই হচ্ছে গাছে পড়ে মা গাছ পড়ে। बंगाल ही नहीं, अम्फान तूफान ने ओडिशा में भी तांडव मचाया। बालासोर, केंद्रपाड़ा और पुरी में तूफान तबाही के निशान छोड़ गया। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ मोहम्मद सुफियान, भुवनेश्वर आज तक। इधर बर्बादी का मंजर है तो उधर मुश्किलों का आलम है मजदूरों के सामने। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट, और वो भी एक श्रमिक ट्रेन के अंदर से, मजदूरों की आप बीती जो इस त्रासदी को झेल रहे हैं।
दूरदराज से प्रवासी मजदूर अब बिहार पहुंचने लगे हैं, कोई पैदल तो कोई ट्रक से। अब बिहार के अलग अलग जिलों में ये ट्रेन इनको घर तक पहुंचाएगी। ये श्रमिक एक्सप्रेस मजदूरों को लेकर अररिया चली है। हमारा सफर सासाराम तक है और कर्मनाशा से सासाराम के बीच में इस ट्रेन में बहुत सारे मजदूर भरे पड़े मिलेंगे। एक अच्छी बात यह है कि लगातार ये प्रशासन की ओर से कहा गया कि सामाजिक दूरी बनाएं, इसलिए जो मुसाफिर यहाँ बैठे हैं, जो मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, एक एक सीट पर सिर्फ एक हैं। यहाँ पर जहाँ तीन सीटों की व्यवस्था होती थी उसमें भी बीच में एक एक मुसाफिर की दूरी छोड़ दी गई है, क्योंकि सामाजिक दूरी ज़रूरी है इस संक्रमण से लड़ने के लिए। लेकिन इन मजदूरों के सामने दरअसल जो चुनौती है वो संक्रमण से कहीं बड़ी है। भूख और रोजी रोटी से बड़ी चुनौती कोई नहीं होती। ट्रेन चल पड़ी है, कुछ घंटों में ये मजदूर अपने अपने घर, अपने अपने गांव की ओर बढ़ चलेंगे। आगे का सफर भी पूरा होगा, लेकिन आगे चुनौतियां क्या हैं ये बताएंगे ये लोग। तुम्हें बताइए, कहां से आ रहे हैं आप लोग, क्या नाम है आपका और कैसे पहुंचे बिहार तक? जी हम तेलंगाना से आ रहे हैं। हम लोग ट्रक से पहुंचे बिहार में, बॉर्डर पे एक दिन वेट किए और फिर बॉर्डर पे से हम लोग को ट्रेन से अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। तेलंगाना से बिहार कैसे पहुंचे? ट्रक से पहुंचे। ट्रक से, ट्रक ट्रक में बैठ के। कितना पैसा दिया उसके लिए? उसके लिए 2000 रुपए हो लिए। कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। और आप कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से। मास्क लगा लीजिए, बहुत जरूरी है। क्या करते थे हरियाणा में? कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते थे। कंस्ट्रक्शन में? और आप? कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते थे। तो लॉकडाउन के बाद कितने दिन और कहाँ थे? रूम पर रहते थे, रूम मालिक ने पैसा के वजह से। किराए पे? किराए पे। पैसा मांगा था किराया? नहीं लिया था किराया, किराया नहीं लिया था, नहीं मांगा था। खाना पीना? खाना पीना ऐसा ही जी रहा था आदमी। आगे कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार में कहाँ? बिहार में तो हैं हम, छपरा जिला। छपरा जा रहे हैं। पहले तो लंबी यात्रा थका देती थी, पैदल चलना, साइकिल से चलना, ट्रकों में बैठना, लेकिन अब बिहार में जब ट्रेन मिल गई है तो शायद कुछ पल की ये जो नींद है, ये थकान के साथ साथ आराम और उम्मीद की भी है कि अब घर सुरक्षित जल्दी पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, औरतों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, और इसीलिए ट्रेन में नींद ले रहे हैं। लेकिन जब नींद खुलेगी तो सवाल ये होगा कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग सूरत से आ रहे हैं सर। आप लोग सूरत से? सब लोग सूरत के हैं। जिंदगी ऑन हाईवे का सफर तय करके जिंदगी इन ट्रेन, ये समझने के लिए इन मजदूरों के साथ मैंने ट्रेन का भी सफर किया। बिहार में इन मजदूरों को कम से कम इतनी सुविधा मिल रही है कि सीमा के अंदर आने के बाद अगले गंतव्य जिलों तक उन्हें ट्रेन मुहैया कराई जा रही है। मेरी यात्रा यहाँ सासाराम में खत्म होती है, ये ट्रेन आगे जाएगी और मजदूरों की यात्रा अभी बाकी है। यात्रा जिंदगी की, यात्रा जीने की, यात्रा रोजी रोटी की और यात्रा संघर्ष की। फिलहाल सासाराम में संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा। आज योगी आदित्यनाथ और प्रियंका वाड्रा की लड़ाई बसों को लेकर, वो भी मजदूरों के लिए, आज इस मकाम पर है कि एक तरफ उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े हुए तो दूसरी तरफ राजनीति और उसकी नीयत पर। आइए आपको दिखाते हैं, कांग्रेस की वो बसें तो खैर नहीं काम आई, वापस चली गई, कहीं फिटनेस में भी सही नहीं थी, लेकिन यूपी रोडवेज की बसों का क्या? यूपी में कांग्रेस की 1000 बस को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा है। योगी सरकार ने कांग्रेस की बसों में कमियां और खामियां गिनाकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज हमने यूपी रोडवेज की बसों का रियलिटी चेक किया तो यूपी की सरकारी बसें भी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई। शकुंतला विश्वविद्यालय के बाहर ये यूपी एसआरटीसी की एक बस है, यूपी 50 डीटी 4065, ये आजमगढ़ सुल्तानपुर दिल्ली लखनऊ ये बस है जो कि यहाँ पर मजदूरों को ले जाने के लिए लगाई गई है। सरकार के दावों के मुताबिक उनकी सारी बसें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बस का जो फिटनेस है वो साल 2019 तक की है और इंश्योरेंस के भी रिकॉर्ड ठीक से नहीं है। मैं बात करता हूं ड्राइवर से, ये बताइए कब से आप ये बस चला रहे हैं? सर ये तो हम नहीं चलाते, दूसरा ड्राइवर चलाता है। अच्छा, अभी कितने दिन से चला रहे हैं यहाँ पर यात्रियों को ले जाने के लिए? अभी सर ये तीसरा चौथा चक्कर है जब से कोरोना लगा है, चौथा। अच्छा, कितने यात्री पहुँचा चुके होंगे? सम लमसम साहब 250 यात्री से ऊपर होंगे। आपको पता है कि इस बस का फिटनेस नहीं है? नहीं सर, हमको इसके इंश्योरेंस नहीं है सर, इसके टैक्स का भी नहीं पूरा भरा हुआ है सर, मालूम नहीं इसके विषय में हमको। यूपी रोडवेज में किसी बस का इंश्योरेंस नहीं है तो किसी बस का फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।